तो हेलो फ्रेंड, तो अभी बज चुके हैं 3 दोपहर के और काम करूँगी मैं अभी। जो भी काम है आपके साथ शेयर करूँगी और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी राजस्थान में आंधी लू वगैरह जो है ना स्टार्ट हो चुकी हैं। गर्मी भी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल भी बाहर रुका नहीं जा रहा है बिना पंखे बिना कूलर के। तो वही है, बस रहने वाले रह रहे हैं। हम भी नए आए हैं अभी, तो मैं नहीं आई हूँ, पहले रह के गई थी मैं। जब ईशान को डिलीवर करा था मैंने तो यहीं पे किया था, तो रह लिया था बस। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो यही था। और अब फिर से सोच रही हूँ यहीं रहूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं रहती थी तो वहाँ पे रेंट पे रहती थी, तो नहीं एडजस्ट कर पा रही थी एक कमरे में। आपको पता है वहाँ का किराया इतना महंगा होता है, ऊपर से बच्चे को एक कमरे में ही रखो, उसको ना तो खेलने का जगह मिलता है और ना ही तो कुछ एक्टिविटी कर पाता है बच्चा। बस एक कमरे में एक बेड पे, डबल बेड था हमारा, तो उसी पे बस बैठना है, खाना है, खेलना है, उसी पे बस रहता था। ना तो नीचे जाए बच्चा, ना कुछ करे, और बस। तो इसीलिए मैंने सो डिसाइड किया कि चलो भाई अपना घर है तो क्यों ना रहा जाए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो बस वो देख लेंगे, रहते 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 आदत पड़ ही जाएगी। तो बस चलो, फिर बातें बहुत मैंने कर ली, और अच्छे अच्छे कमेंट करना आप, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँ मैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे काम करती हूँ मैं, और ठीक है अब बने रहिए मेरे साथ। ये रखो, रख दो यहीं पे, रखो रखो बस। शाबाश, बाल्टी में से निकाल, टक में से, टक में से बाल्टी निकाल निकाल, टक में से बाल्टी उस टक में डाल दे, उस टक में। शाबाश, आ जाओ।
बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स मेरा काम हो चुका है देखिए, और मैं 3 बजे लगी थी, 5 बज चुके हैं और काम भी मेरा हो गया है। और बस अब मैं जा रही हूँ रोटी डालने, और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शाम को क्या क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय।